सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी, आर आर कंप्यूटर्स, रामनगर सोडाला से। आज एक्सेल में हमारी क्लास है फॉर्मेट एज ए टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। आज हमारी क्लास है फॉर्मेट एज ए टेबल। एक्सेल में आपने टेबल बना ली। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्मेटिंग आपको करनी है, टेबल में से जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी रेंज को बताएगा। अगर आपको रेंज को कम करनी है या बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं और कम करनी है तो भी कम कर सकते हैं। और ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारी एक ये टेबल जो है एक फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास एक नया टूल आ जाएगा, टेबल टूल डिजाइन, जिसमें टेबल का नाम क्या देना है, वो टेबल को आपको राइज करनी है, आपको उसको पॉइंट टेबल में कन्वर्ट करना है, इसमें से डुप्लीकेट को रिमूव करना है, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब होता है कि इसकी रेंज आपको कन्वर्ट करनी है, आगे नहीं बढ़ानी है। तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देंगे। इसको एक्सपोर्ट करना है, आपको कहीं पे एक्सपोर्ट करना है। वहां से हेडर की स्टाइल आपको कैसी रखनी है, यहाँ से हेडर रो को आपको कैसा दिखाना है, यहाँ से टोटल रो भी आपको शो करना है, बैंडेड रो आपको शो करनी है यानी डार्क एक लाइट, फर्स्ट कॉलम आपको अलग से दिखाना है। अब जैसे मैं इस पर टिक लगाऊंगा तो वो बोल्ड करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बोल्ड करेगा। लास्ट कॉलम को मुझे करना है तो यहाँ से मैं लास्ट कॉलम वाले पे क्लिक करूंगा। बैंडेड कॉलम करना है तो बैंडेड कॉलम। मुझे इसकी डिजाइन चेंज करनी है तो यहाँ से मैं डिजाइन इसकी चेंज कर दूंगा। जो भी मुझे डिजाइन रखनी है टेबल स्टाइल से मैं इसकी डिजाइन चेंज कर लूंगा। जैसे ही मुझे डिजाइन रखनी है वैसे डिजाइन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कोई डिजाइन नहीं लेनी है आपको, नई कोई स्टाइल लेनी हो तो आप फॉर्मेट टेबल और न्यू स्टाइल पे भी क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन को कलर और स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मुझे होल टेबल को कैसा फॉर्मेट देना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और अपनी फॉर्मेटिंग को मैं सेलेक्ट करूंगा। मुझे होल टेबल का कलर ये ऑरेंज वाला लेना है। ओके। और मुझे फर्स्ट रो स्ट्रिप का कलर चेंज करना है, ब्लू लेना है। ओके। और ओके, ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आपको यहां पे मिल जाएगी। जैसे आप यहां पे करेंगे डिजाइन बैंडेड रोज तो आपको वो स्टाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेल स्टाइल। सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, किन सेलों का आपको कलर करना है, स्टाइल देनी है, यहां से आप सेल के स्टाइल ले लें, जो भी स्टाइल आपको लेनी है, जैसे स्टाइल आपको लेनी है। इनमें से नहीं लेनी है तो आप न्यू स्टाइल से आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट शीट। आपने अपनी टेबल बना ली, आपको एक सेल की रिक्वायरमेंट हो कि मुझे एक नया सेल चाहिए यहाँ पे, तो आप कहाँ सेल चाहिए वहां आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा इंसर्ट का। पहला इसमें ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। जो आप नया सेल लेंगे तो पुराना सेल आपका राइट में शिफ्ट हो जाए। सेकेंड ऑप्शन है डाउन में शिफ्ट हो जाए, या आपको पूरी रो नहीं मिल जाए या पूरा कॉलम नया मिल जाए। जैसा भी आपको करना वैसे आप उस पर क्लिक कर दें। पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ शिफ्ट राइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये 33 है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, मेरे पास यहाँ पे नया सेल आ गया। कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू, मैंने वापस मैंने क्लिक किया इंसर्ट सेल। अब मैं डाउन करता हूँ तो मेरा वो 33 डाउन के साइड शिफ्ट हो जाएगा और मेरे पास एक नया आ जाएगा। अगर मुझे पूरी रो ही नहीं लेनी है तो इंसर्ट, यहां से मैं एंटायर रो पे क्लिक कर दूंगा तो पूरी रो नहीं आ जाएगी। कॉलम लेना है तो एंटायर कॉलम आ जाएगा। जहां भी आपका कर्सर क्लिक होगा हमेशा उसके टॉप साइड में नई रो इंसर्ट होती है और कॉलम अगर आप इंसर्ट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल और प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आपके पास वापस आ जाएगा। जो भी आपको करना है एरो की से डायरेक्शन की से आप यहां से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटायर रो कर दिया, कंट्रोल और प्लस किया, एंटायर कॉलम भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। डिलीट, आपको डिलीट करना हो, सेल डिलीट करना हो तो सेल पे क्लिक कर दें और रो डिलीट करना हो तो रो पे क्लिक कर दें। जैसे मुझे एक रो मेरे पास एक्स्ट्रा उसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट शीट रो पे क्लिक करूंगा तो मेरी डिलीट हो जाएगी। कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो कॉलम से डिलीट हो जाता है। अगर मुझे नई शीट चाहिए, मेरे पास अभी यहाँ एक और दो शीट है, मुझे एक और शीट लेनी है तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास तीसरे नंबर की शीट और आ गई। ऐसे मुझे शीट को डिलीट करना है तो डिलीट शीट पे क्लिक करूंगा, ये शीट मेरी डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेट, रो की हाइट आपको बढ़ानी हो यानी आपने जो तो टेबल बना रखी है उनमें से
कुछ रो की आपको हाइट बढ़ानी हो तो जिन रो की आपको हाइट बढ़ानी हो या पूरी टेबल की रो की हाइट बढ़ानी हो तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लें और यहां से फॉर्मेट पे क्लिक करें और रो हाइट पे क्लिक कर दें। आपको बाय डिफॉल्ट रो की जो हाइट होती है वो 15 होती है, आपको बढ़ानी है तो आप यहां पे टाइप कर दें कितनी बढ़ानी है, मुझे 30 करनी है, मैंने 30 टाइप कर दिया और ओके कर दिया तो आपकी रो की हाइट बढ़ गई है। आपको कम करनी है यहां से आप कम भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन है कि आप जहां पे आपकी रो रो नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में जो लाइन है ये वाली, इससे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रो की हाइट बताएगा कि अभी कितनी है, आप ऊपर की तरफ इसको लेंगे तो ये कम होती जाएगी और बाहर की तरफ आप इसको लेंगे या नीचे की तरफ तो ये बढ़ती जाएगी। अगर आपको सभी की करनी है तो आप पहले सभी रो के अकॉर्डिंग सबको सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और यहां से आप रो को इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें जैसा भी आप करना चाहें। आउट ऑफ फिट आपको करनी है तो आप टेबल को सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट पे जाएं और आउट ऑफ फिट पे क्लिक कर दें तो ये अपने आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट कर देगा। कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी हो तो कितनी बढ़ानी है आप यहां क्लिक कर दें, बाय डिफॉल्ट 8.43 होती है, आपको बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, आपको घटानी है यानी इंक्रीज करनी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करनी डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे अभी 15 करनी है, मैंने 15 टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया तो मेरी 15 हो गई। और दूसरा तरीका है आपको रो की हाइट कॉलम की विड्थ सभी की इक्वल करनी हो तो आप ऊपर से सेलेक्ट कर लें सभी कॉलम वाइज, सेलेक्ट करने के बाद जो कॉलम के बीच में लाइन है इसको आप अंदर की तरफ लेंगे तो ये कम होती जाएगी और ऊपर आपको शो करता जाएगा कि कितनी कम हो रही है या कितनी बढ़ रही है, जितनी आप एडजस्ट करना चाहें उस पे लाके छोड़ दें वो उतनी सभी की एडजस्ट हो जाएगी। बढ़ानी है तो वापस आप बढ़ा सकते हैं। आपको ऑटो फिट करनी हो तो जिस भी सेल के अकॉर्डिंग करनी हो उस सेल पे पहले क्लिक कर दें और ऊपर जो कॉलम बी और सी के बीच में जो लाइन है जहां से भी आपको करनी हो उस बीच वाली लाइन पे आप डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटो फिट कर देगा। जैसे मुझे जनवरी के अकॉर्डिंग करनी है यहां से इसको कम करनी है तो क्लिक कर दिया, डी और सी के बीच में जो लाइन है उस पर डबल क्लिक कर दिया तो इसने ऑटो फिट कर दिया, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट कर दिया। आपको यहां से नहीं करनी हो, फॉर्मेट से करनी हो तो आप ऑटो फिट पे क्लिक कर दें तो अपने आप ये फिट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन डिफॉल्ट विड्थ, आपको डिफॉल्ट विड्थ बता देगा कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर हाइड एंड शो, आपको कोई कॉलम या कोई रो हाइड करनी हो तो आप उस कॉलम और रो पे क्लिक कर दें और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे जाएं और हाइड, हाइड आपको रो करनी है तो रो पे क्लिक कर दें। अभी आपका दिख रहा है नेम आंध्र प्रदेश और यहाँ पे आप नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल से है। जैसे मैंने इस पर हाइड पे क्लिक कर दिया तो मेरा एक 6 हाइड हो गया यानी वो रो छिप गई है, मुझे वापस चाहिए तो वापस इसी फॉर्मेट पे जाऊंगा और अनहाइड रो पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह मुझे कॉलम हाइड करना है तो आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। आपको पूरी शीट ही हाइड करनी है तो शीट पे क्लिक कर दें, आपकी एक नंबर शीट चली गई है, आपको वापस चाहिए इस पे जाएं फॉर्मेट पे और यहां से अनहाइड शीट पे क्लिक करें, आपकी 1 नंबर हाइड थी और ओके कर दें तो वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है रीनेम शीट, आपको शीट का नाम चेंज करना हो, आपने ऐसे बहुत सारी शीटें बना ली हो 1 2 3 ऐसे बहुत सारी बना ली, उनका नाम चेंज करना हो यानी आपको अपने अनुसार शीट का नाम देना हो तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करें और रीनेम शीट पे क्लिक कर दें। जैसे आप रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, आपको जो भी नाम इसको देना हो, जैसे मुझे देना हो जनवरी 2020 क्लिक कर दें बाहर कहीं भी तो आपका ये नाम चेंज हो गया। एक तरीका है आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, आपको इस शीट की जनवरी 2020 की एक इसको मूव करना हो, आपको शीट जनवरी 2020 को मूव करना हो यानी शीट दो के बाद भी मुझे इसको लेके जाना हो, पहले मुझे शीट दो लेनी हो तो यहां से आप क्लिक करें, जिस शीट को आपको मूव करना है उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करें और यहां पर आपको उसको एंड में ले जाना है तो एंड मूव टू एंड पर क्लिक करके ओके कर दें, आपकी शीट लास्ट में आ जाएगी। आपको इसकी एक और कॉपी लेनी हो तो आप क्लिक करें वापस फॉर्मेट पे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करें, आपको कौन सी शीट की एक और कॉपी लेनी है, मुझे इसी की लेनी है, इसमें मैंने क्लिक किया क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो मेरी ये सेम एज इट इज इसकी कॉपी एक और हो गई।
टैब कलर, आपको इस शीट का कलर चेंज करना हो, आपको अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग इन शीट का कलर चेंज करना हो, कौन सी शीट का आपको कलर चेंज करना है, तो उसी शीट पे आप क्लिक कर दें और टैब कलर पे क्लिक करें और कैसा कलर आपको यहाँ पे रखना है, जैसा भी कलर आपको रखना है यहाँ से कलर टैब कलर का सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने पे वो टैब कलर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। आपको अपनी वर्कशीट, जो भी आपने वर्कशीट बनाई है उसको प्रोटेक्ट करना हो, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, आपका पासवर्ड टाइप करें और ओके कर दें, दोबारा टाइप करें, ओके करें। अब आपकी शीट लॉक हो गई है, अब आप किसी में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है, जो भी आपके सारे फंक्शंस हैं वो भी सारे आपके क्लोज हो जाएंगे, आपके कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। वापस उसको अनप्रोटेक्ट करना हो तो अनप्रोटेक्ट पे जाएं, फॉर्मेट, फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आप टाइप करें और ओके कर दें। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका सब कुछ ऑन हो जाएगा और आप सभी वर्क उसमें कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसमें पूरा प्रोटेक्शन ना लगा के कुछ प्रोटेक्शन ऑन रखूं, जैसे कोई भी सेल जोड़ना चाहे जोड़ सकता है, तो जो भी आपको प्रोटेक्शन ऑन रखनी है उन पे आप टिक लगा दें, यहां से आप उन पे टिक लगा दें। जैसे मुझे इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो लेना है, यानी इनको लॉक नहीं करना है, तो मैंने इन पे टिक लगा दिया, यहां पासवर्ड डाल दिया जो भी पासवर्ड डालना है, ओके किया, पासवर्ड दोबारा टाइप कर दिया, ओके किया। अब जैसे मैंने ओके कर दिया तो मैं इंसर्ट रो और कॉलम यहां पे ले सकता हूं, मेरा ये ऑक, ये मेरा प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। प्रोटेक्शन हटानी हो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दें, 1 2 3 ओके। अब आपको प्रोटेक्ट तो करना हो पर सभी सेल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना हो, कुछ सेल को आपको अनप्रोटेक्ट रखना हो, यानी कुछ सेल में आप चाहते हैं कि मैं वर्क कर सकूं बाकी सब प्रोटेक्ट रहे, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इतने एरिया में मुझे काम करना है इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, तो मैं फॉर्मेट पे गया और यहां पे ये जो सेल लॉक का ऑप्शन है इसको मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने इसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, पासवर्ड टाइप किया जो भी मुझे पासवर्ड लगाना है, ओके पे क्लिक किया, दोबारा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड किया, ओके। अब मैं इन बाहर वाले सेलों पे काम नहीं कर सकता, जो भी मेरे सेल जो मैंने सेलेक्ट किए थे मैं उन्हीं पे काम कर सकता हूं, उनसे बाहर मैं काम नहीं कर सकता, तो ये ऑन नहीं है, ये लॉक है, और ये जो इतना एरिया है मैं इसी पे काम कर सकता हूं, इससे बाहर काम नहीं कर सकता। तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट करके अनलॉक किया था उसी पे आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर आप काम नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन हटानी हो अनप्रोटेक्ट, 1 2 3 जो भी आपने पासवर्ड दिया हो, और यहां से आप सभी जगह काम कर सकते हैं।